दोस्तों इस वीडियो को पूरी जरूर देखना क्योंकि ये अपनी लाइफ से संबंधित है। बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो चालू करते, वीडियो अपलोड तो कर दी पर पता ना कोई शेयर करेगा, सब्सक्राइब करेगा कि ना करेगा, या चैनल है काश यू वीडियो वायरल हो जाए। कौन है अंकल जी? नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। और क्या चल रहा है आजकल? कुछ ना। हाँ तो क्या करते हो? वीडियो डाली थी अभी। है बस इन्हें घेर तो रही, और कोई ना तेरी जिंदगी इनमें निकल जाएगी। कछु ना रखो इनमें, कुछ फड़ ले, कुलाई लिख ले, कछु बन जाएगा, नहीं तो ऐसे ठुल्लो बैठे बस स्टैंड पे जोड़ी काट तो डोले को, ठीक है? मना तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे, बस खाली रह जाओगे। मेरा बेटा देख आज सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन चुको है। अरे वो पता तेरा बेटो का शौक है ले दारू पियो, छोरी ने छेड़वा के चक्कर में दो बार तो पिट तो बचो है, जुगाड़ लगवा के तो अपने छोरो कछु काम पे लगवा। कुछ भी हो काम तो कर रो ने, तेरे ठाली तो ना बैठो अब। ठीक है खेली ना मोसू, सुना दी ना मोया, अब मैं जाऊं। और कुछ बाकी रह गई हो तो खेले कुछ ना, खेले मन में मत रखियो। तुम ये नहीं देखते बच्चे की रुचि किसमें है, उसका टैलेंट किसमें है, लेकिन नहीं तुम्हें तो उसे डॉक्टर या इंजीनियर बनाना है। तुम्हें टैलेंट से मतलब नहीं है, बस उसकी गांड में उंगली करने से मतलब है, हमको पता है ना। तुम ऐसे लोग हो जो बच्चों को जज करते रहते हो और बच्चों को डिमोनेटाइज करते रहते हो। तेरा बेटो डरूड़ छोरी छेड़ो वार जो फिर भी बन गोने कछु ने कछु सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो हम भी बन जाए। हट आ गए सु। कौन दातन दिखा रहा है? मैं तो बहुत अच्छी आ रही है डरूड़। एक साल बाद मिलते हैं। क्यों हंसो तू आके आ गए? चपड़ो तोड़ दियो मेरा। दोस्तों वे लोग जो तुम्हें जजिंग करते रहते हैं, तुम्हें भला भरा सुनाते हैं, तुम्हारी बुराई करते रहते हैं और तुम्हारे हौसले को डिमोनिटाइज करते रहते हैं, और फिर भी तुम उनकी बातें सुनते हो ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम चूतिया हो। वो नहीं, वो तो कहेंगे क्योंकि लोगों का काम कहना, लेकिन तुम सुनते ही क्यों हो और कान ला के हाँ जी हाँ हाँ ऐसे करूँ हाँ ऐसे। अबे चूतिया हो क्या? उल्टा उन्हें सुनाओ और उन्हें कहो कि मैं तो ऐसे करूँगा, जा कल्ला कहा करे हो तू, फिर उनके पिछवाड़ा में पतंगी लगेगी। लगेंदे अपन का मतलब, अपन से मतलब है अपन अपना करियर बनाने के लिए पैदा हुए, ना कि उनकी सुनने के लिए, ठीक है ना? दो साल पहले मुझे भी एक अंकल ने जज किया था पर मैंने उनकी नहीं सुनी। कलू महाकाल मेरी बुराई कर रहा हो। अच्छा चल ना सुनी तूने मेरी, पर अब तूने काय निठाल लियो, दो साल में काय कर लियो तूने, अब भी तू निठल रही है, अब भी तू यही रह घर पे रोटी में फाड़ रहा है और कछु करे भी ना है। दो साल पहले भी तू ये ऐसे ही निठल लो और अब भी ऐसे ही है। तीतर के आगे दो तीतर, तीतर के पीछे दो तीतर, लेकिन सबसे शाना वाला जो जाके है मन के भीतर। तेरा बाप आया। यार क्यों यार, मतलब अब तुम्हें दिखाना ही पड़ेगा क्या? मैं नहीं बताना चाहता था दुनिया को, लेकिन तुम्हारे कहने पर मुझे अब अपना सच्चाई खोलनी पड़ेगी। मैं हूँ कौन? MS आलानी को नाम तो सुना ही होएगो, बहुत बड़ा यूट्यूबर है, उसके 10 मिलियन से ऊपर सब्सक्राइबर है, सुना होगा? कॉमेडी वीडियो बनावे वो, पता है ना तो है? तो वो कौन है पता होगा? वो कहाँ पे रहे वो जाने का भाई? ना जानू, मान कभी फेस दिखाई ना है मुझे, वो फेस देखना वहाँ को। हाँ मेरा फेवरेट यूट्यूबर देखना मुझे। तो देख साले साक्षात खड़ो तेरे सामने तू और यूट्यूबर MS आलानी। ए चा तू तेरी शक्ल देखिएगा इनाम का वो उजड़ा हुआ चमन। फोन उठा और जल्दी से MS आलानी खोल, नई वीडियो गेरी मैंने फेस रिवील की, देख कहीं मैं तो ना हुआ। मैं अम्बे तू हो ही ना सके, रुक जा भी देख बताऊं। ओह माय गॉड, अरे बाबा सही कह रहे हो, तो MS आलानी को क्रिएटर है, यही ने बनावे वीडियो, वास्तव में यहाँ तगड़ी वीडियो बनावे, ये तो बहुत बड़ा आदमी होगा। होली का दोनों बाप बेटा अनबात होगो पक्को, मैं ही हूँ। अरे भाई मैं सबसे बड़ा फैन हूँ, मुझे ऑटोग्राफ चाहिए। ऑटोग्राफ तो दे दूंगा टेंशन मत ले, लेकिन तेरे बाप को कुछ सिखाना है मुझे। हाँ तो अंकल दो साल पहले तुम वो सुनू की कछु ना कर पाऊंगा, निठल्लो रहूंगा, निठल्लो ही रहूंगा, ये वीडियो में कछु ना रखो। देख आज मेरा 10 मिलियन से ऊपर सब्सक्राइबर है और मैं खूब करोड़ों में रुपया कमा रहा हूँ, ठीक है ना? बात पैसान की ना है, बात यू है कि तुमने वो जज कैसे कर दिया, तूने मुझे निठल्लो समझो ने, अब देख ले दो साल बाद मैं कितना अच्छा बन चुका हूँ। तुम ऐसे लोग हो जो बच्चों को उत्साहित करने के बजाय डिमोटाइज करते हो और उसके दिमाग के प्रेशर को इतना बढ़ा देते हो कि वो कुछ कर नहीं पाते हैं। तूने मेरी आँख खोल दी, आई एम सॉरी। दोस्तों जिस चीज में आपको पसंद है ना, उस चीज के लिए ना अपने दिमाग को क्रेजी कर लो, सन की हो जाओ कि यार ये तो अचीवमेंट करना ही है, चाहे कोई आ जाए कोई भी रोके, नहीं रुकना नहीं है, उसको मुंह तोड़ जवाब देके नहीं, उसे बताना है कि मैंने ये
अचीव किया है। और सबसे बड़ी बात, धैर्य होना चाहिए। अगर धैर्य नहीं है ना तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए ना तो लाइक करना यार, और चैनल सब्सक्राइब कर देना। चलिए दोस्तों अगली वीडियो में मिलते हैं। दोस्तों आपने भी कभी ऐसी कंडीशन फेस की है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और कमेंट में हाल ही को।